नमस्कार, मैं हूं रानू शर्मा, आप देख रहे हैं खबर न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लता मंगेशकर को सांस लेने में तकलीफ, मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती। लता मंगेशकर को सोमवार सुबह सांस की समस्या के चलते मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह भी बताया गया है कि लता मंगेशकर जी को आईसीयू में रखा गया था। वहीं ब्रिज कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक लता को ऑब्जेक्शन में रखा गया। जब उनकी हालत स्थिर है, उन्हें इलाज के बाद अब घर भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को देर रात 1:30 से 2 बजे के बीच में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लता मंगेशकर की भतीजी ने पुष्टि की है कि ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भतीजी ने बताया था कि अगर उनकी तबीयत में सुधार दिखा तो उन्हें आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर को वायरल भी है। NNI के मुताबिक लता मंगेशकर को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। हालांकि स्टाफ बाई की खबर में दावा किया गया है कि लता अभी भी अस्पताल में है। वेबसाइट ने यही दावा लता जी की बहन उषा मंगेशकर से बातचीत के बाद किया है, जिसके मुताबिक उन्हें अस्पताल में 1-2 दिन और रखा जा सकता है। हाल ही में मनाया उन्होंने 90 साल में जन्मदिन। कुछ दिनों पहले ही 28 सितंबर को ही लता ने अपने 90 जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसे कई समेत दिग्गजों और लाखों करोड़ों फैंस ने उन्हें बधाइयां भी दी।